जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। अगली खबर जो है वो झज्जर से है, जहां पर गांधी जी की चिट्ठी को लेकर ओपी धनकर ने सवाल किया है। शहीदी दिवस पर आजादी के समय की चिट्ठी पर यह सवाल पूछा गया है। गांधी समझौते के दौरान कांग्रेसियों की रिहाई उठाई गई थी मांग, इसी बात को लेकर सवाल पूछा गया है। सुखदेव ने भी चिट्ठी लिखकर इस भेदभाव पर सवाल किया था। शहीदी दिवस के मौके पर यह सवाल पूछा गया है, जिसमें जिक्र किया गया है कि सुखदेव ने भी चिट्ठी लिखकर इस भेदभाव पर सवाल किया था। गांधी जी की चिट्ठी को लेकर ओपी धनकर ने यह सवाल पूछा। आजादी दिवस के मौके पर यह सवाल पूछा गया है। गांधी समझौते के दौरान कांग्रेसियों की रिहाई को लेकर यह सवाल पूछा गया। ये पूछा गया कि आखिर कांग्रेसियों की रिहाई कैसे हुई, इसको लेकर सुखदेव ने भी भेदभाव का सवाल किया था, ये मुद्दा उठाया था। अब ओपी धनकर ये सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि गांधी जी की चिट्ठी आखिर कैसे सवालों के घेरे में है। ओपी धनकर सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि कैसे आजादी के वक्त पर कांग्रेसियों की रिहाई हुई थी। गांधी जी की चिट्ठी को लेकर ओपी धनकर के सवालों का पूछना ये सियासत को गरमाने वाली बात है। गांधी समझौते के दौरान कांग्रेसियों की रिहाई का जो मामला है उसे उठाते हुए ओपी धनकर ने सवाल पूछा है और साथ ही साथ ये भी दावा किया है कि इस फैसले को लेकर कांग्रेसियों की रिहाई की बात को लेकर सुखदेव ने भी चिट्ठी लिखी थी और इस भेदभाव पर सवाल खड़े किए थे। झज्जर से बड़ी खबर, ओपी धनकर ने गांधी जी की चिट्ठी का जिक्र करते हुए सवाल पूछा। गांधी जी ने उसमें सबकी रिहाई की मांग की, क्रांतिकारियों की रिहाई की मांग उसमें नहीं हुई। और इसी और गांधी जी ने कहा कि सब अपना आंदोलन वापस ले लो, उसी कारण से सुखदेव ने एक चिट्ठी गांधी जी को लिखी थी कि आप सबको आंदोलन तो वापस लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने क्रांतिकारी जो जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई की बात नहीं की। वो चिट्ठी गांधी जी को बाद में मिली भगत सुखदेव के बाद, गांधी जी ने जवाब भी लिखा है, लेकिन सुखदेव का सवाल ऐसा सवाल है जो संपूर्ण देश के सामने खड़ा है, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि गांधी इरविन की जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस होगी तो इन तीनों वीरों के बारे में जो है उनके रिहाई के बारे में भी बात होगी, लेकिन जो बात नहीं हुई, बल्कि सुखदेव ने अपनी चिट्ठी में ये नहीं लिखा है कि हमारे तो बलिदान होने में ही आज़ादी का आंदोलन आगे बढ़ेगा, मतलब मेरी चिट्ठी का ये मतलब नहीं लगाया जाए कि, लेकिन आप जो अपील कर रहे हो, आप अपील सारे कांग्रेसी छोड़ दिए गए, केवल क्रांतिकारी नहीं छोड़े गए गांधी समझौते के बाद। और इसके कारण से फिर दूसरी बात भी कही क्रांतिकारी संगठनों ने कि जब ये बलिदान हो रहे होते हैं तो कांग्रेस का बड़ा नेतृत्व इनके बचाने का काम नहीं करता, जब बलिदान हो जाते हैं तो इन पर श्रद्धांजलियां देता है, प्रशंसा करता है। ये हुआ जब कराची में अधिवेशन हुआ उसी महीने में, तो इन तीनों शहीदों की प्रशंसा की गई, लेकिन शहीदों को बचाने के लिए जो योगदान हो सकता था वो नहीं हुआ, इतिहास इसका साक्षी है।